कि हमारे बोधी भाइयों के सारे एक्सपीरियंस अभी सुनाए गए, कमल सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजा। तो मैं निवेदन करूंगा अक्षर मलिक जी से कि कमल सिंह जी का पहले साफा पहना के उनका बहुमान करावे, तालियों के साथ में इनका बहुमान करावे। माला के अब मैं हमारे राजस्थानी स्वागत करेंगे। नरेंद्र पर भाई है क्षत्रिय प्रसाद अधिकार ने माला पहना करके उनका स्वागत कर ली। माला पहनाने के साथ राजस्व मंत्री को जयराम जी जगदीश सिंह जोगू गुलाब सिंह देसरगांव माला पहने करके सबका स्वागत करेंगे। के बाद में हमारे बीच में सैनिक है, इनको हमने पुरस्कार पहले से दे दिए हैं। सैनिक के वेशभूषा में आए, बिल्कुल जोरदार सूरत मास। इसके नीचे हमारे बीच में बहन झांसी की रानी है, बैठे बैठे बॉलीवुड प्रतियोगिता देशभक्ति गीत प्रतियोगिता तैयार की है, वो आ जाए। ये बताऊं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की शान और आन बढ़ाई, हर एक जिस तरह उन्होंने कहा वो खुल के दिखाया, जो आए दिन पाकिस्तान अपनी सीमाओं में घुसकर अपने देश के नौजवानों के कभी क्या हरकतें करती थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें करारा जवाब दिया और पाकिस्तान की सीमा पर जाकर उनके नौजवानों जिस तरह हरकत की थी उन हरकत का जवाब दिया, तो आज पाकिस्तान आज उनके नरेंद्र मोदी के नाम से कांपती है। भारत के प्रधानमंत्री हमने देखा हो कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसा जो हर एक का दर्द लेके चलता है, वो हमेशा हर एक का दर्द लेके चलता है। हम चाहे ईद मनाए, चाहे दीपावली मनाए, चाहे होली मनाए, उस होली और दीपावली मनाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर से आते हैं, चाहे हम कहीं बैठे हैं, चाहे विदेशों में बैठे हैं, चाहे कलकत्ता में बैठे हैं, चाहे महाराष्ट्र में बैठे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, चाहे अहमदाबाद में बैठे हैं, चाहे किसी जगह बैठे हैं, हम वहां जाकर खुशियां अपने परिवार के साथ मनाने के लिए आते हैं। फकर है भारत के प्रधानमंत्री पर, वो कहीं अपने परिवार के साथ खुशियां नहीं मनाते हैं, वो जाकर सीमा पर नरेंद्र मोदी है जो इस देश की शान बढ़ाई। जहां विदेशों में जाते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देखने के लिए लोगों का हुकुम उभरता है, जब फैलाव उभरता है और हर एक से आता है, चाहे मंदिर में देखो, चाहे मस्जिद में देखो, चाहे कहीं किसी जगह देखो, हमेशा जाकर वहां नरेंद्र जी मोदी को देखने के लिए दुनिया का फैलाव उभरता है कि एक नेक रहनुमा कहां से आए हैं, जो कहता है कि मैं गरीबी से उठा हूं, गरीब का दर्द जानता हूं, आत्मा से ज्यादा जमीन का कदर जानता हूं, ऐसे नेकदिल इंसान है। आप सब मुबारकबाद के काबिल है, आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और विशेषकर नरेंद्र जी साहब को भी देना चाहता हूं मुबारकबाद। आपने आज ऐसा एक त्योहार मनाया जिससे हमें देश के लोगों को फख्र होता है, देश के लोगों को जहां हमारे शहीदों को शहीद कर दिया गया था, हमने उनके जाकर उनके अंदर जाकर उनको करारा जवाब दिया है और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है। और मेरे भाइयों, जब भी आप कोई भी कार्यक्रम में आप याद करें, बिल्कुल है मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूं। जो आपकी कोई भी समस्या है कभी है, पहले भाई नरेंद्र जी से या हमारे से संपर्क करना, हम बिल्कुल आपकी कोई भी काम के लिए करें। आपने हमें बुलाया, मान सम्मान दी, इज्जत दी, हौसला बख्शा, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। आप बड़ी तादाद में सुबह से इंतजार कर रहे हैं, आप सबकी शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Thank you.
कौन भर गया।